हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली पुलिस में 5,846 कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 9 सितंबर। तो इस वाले वीडियो में सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एज, फिजिकल एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग का होगा या नहीं होगा, इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है बिहार की ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए रात के 10 बजे लाइव टेस्ट लिया जाता है और जो लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो ये आप 100 रुपये हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए पेटीएम नंबर है 6392409447, ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस पर आप फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था लाइव टेस्ट का जो टाइम है वो है रात के 10 बजे, यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा पेटीएम नंबर है। जल्दी से आप फीस ट्रांसफर कर सकते हैं 100 रुपये। व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लें आप। दोस्तों, SSC की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के द्वारा SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको देखना है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होगा और ये फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2020। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने की ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 9 सितंबर 2020 होगी। ओके, तो बहुत सी लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी रसीद के लिए 7 तारीख होगी 9 सितंबर। और दोस्तों देखिए, पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 14 सितंबर 2020 और इसका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस होगा CBT। तो ये हो सकता है आपको 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक 2020 तक। तो गाइस देखिए, इसका एग्ज़ाम आपको होने वाला है CBT बेस, मतलब कंप्यूटर बेस होने वाला है। तो आगे हम लोग सिलेबस जानने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं बोलो कमेंट करके बता दीजिए और मैं उसके वीडियो अच्छे खासे आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कंडक्ट कराया जाएगा आपका एग्ज़ाम इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, मतलब दोनों भाषाओं में होगा। जो लोग हिंदी को प्रेफर करते हैं वो लोग हिंदी चूज़ कर सकते हैं और जो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। तो वैकेंसीज कितनी है इसमें, देखिए दोस्तों, इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 5,846 टोटल वैकेंसीज हैं जो कि आपको देखने में दिख रही होंगी। मेल के लिए अलग हैं और फीमेल के लिए भी अलग अलग हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरी की पूरी चीज़ें आपको बाकायदा मिल जाएंगी। अब हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, बाकायदा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, टोटल इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट पहला आता है पार्ट ए में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इससे जो टोटल क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 50 होंगे और टोटल ये मार्क्स होंगे, मतलब 50 मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में रीजनिंग आ जाता है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे आपके 25
नंबर के, 25 मार्क्स के, और पार्ट सी में आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और 15 ही मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट डी में आ जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र। ये इस टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के होने वाले हैं, और जो टोटल टाइम होगा वो 90 मिनट होगा, 90 मिनट का आपका टोटल मिलेगा पेपर। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि यार इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, तो दोस्तों देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक तिहाई नंबर मतलब 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें आपके जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। अब आपको टॉपिक पहले बता देते हैं कि डेली जो इवेंट होती हैं, डेली की जो घटनाएं होती हैं वो करंट अफेयर्स में आपके आएंगे। और इसमें देखिए टॉपिक बता देता हूँ, इंडिया की जो कंट्रीज हैं, पड़ोसी कंट्री हैं, उससे आएंगे क्वेश्चन, और स्पोर्ट्स से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, कल्चर से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सभी से क्वेश्चन आपके काफ़ी मिलेंगे। अब आता है गाइस रीजनिंग का टॉपिक, सब्जेक्ट रीजनिंग में देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व ये सब आएंगे। देखिए इसमें टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। एनालॉगी आएंगी, सिमिलरिटीज आएंगी, बहुत से टॉपिक हैं आप देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन ये सब आएंगे, अरिथमेटिकल रीजंस एंड फिगर काउंटिंग फिगर ये सब टॉपिक आएंगे, नंबर सीरीज से नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग ये सब टॉपिक आने वाले हैं। अब देखिए मैथ से आपके जो आएंगे टॉपिक वो हैं नंबर सिस्टम और होल नंबर वगैरह, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल कोऑपरेशन ये आएंगे, परसेंटेज आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वाला टॉपिक, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, ये सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। कंप्यूटर में देखिए मेन जो टॉपिक हैं आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउज़र, इसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे। जिसमें आ जाता है WWW, वेब ब्राउज़र में क्या क्या आ जाता है, इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, URL, ये सब, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो मैंने खास खास टॉपिक आपको बता दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आप तैयारी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।